18 साल का हूँ, मैं एक इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टूडेंट हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि इंडिया में कुछ सालों पहले UPI आई और UPI ने पेमेंट गेटवे का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और जैसे हमको पता है कि कैश देने में थोड़ा फ्रिक्शन आता है, आप अपने कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, बट UPI में ना के बराबर हो रहा है। सेम गोज़ विद क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा खर्चे करते हैं एज़ कम्पेयर टू डेबिट कार्ड। तो मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जो स्टार्टअप्स आ गई है, जो BNPL है, बाय नाउ पे लेटर, जो छोटे धनराशि जैसे 2000 से 50,000 तक के अमाउंट को लोन पे देती है विदाउट एनी क्रेडिट स्कोर और कुछ भी, और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि और खर्च करें, तो और लोग, और ऐसा अमेरिका में भी देखा गया था कि जब बहुत ज़्यादा पैसे देने लग गए थे तो डेट ट्रैप बढ़ गया था और बहुत सारे सुसाइड केस भी आ गए थे, और इंडिया में अभी वो आना चालू हो गया। तो ये जो BNPL कंपनीज हैं, ये हम लोगों को उत्साहित कर रही है खर्च करने के लिए, और गवर्नमेंट भी उसका साथ दे रही है। जैसे गवर्नमेंट ने होम लोन, कार लोन, उनके इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए, तो लोग और लोन लो। तो पहले आता है कि हमारी वृत्तियाँ, जो हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख के चीज़ ख़रीदने का मन करता है, फिर वो हमें हमारा बैंक बैलेंस अलाउ नहीं करता ख़रीदने के लिए, बट अब ये BNPL कंपनीज हमको बोल रही है बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी वृत्तियों के साथ चलो। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और हमें इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? समझ जाओ कि चल क्या रहा है और क्या, और बहुत लंबा तो चलता नहीं। 2008 में अमेरिका में क्या हुआ था, फिर वो चीज़ अमेरिका से फिर पूरी दुनिया में फैली, यही तो था, क्रेडिट बबल ही था वो। सीधे सीधे आप ऐसों को भी कर्ज दे रहे थे जो उस कर्ज को कभी लौटा ही नहीं सकते थे, और फिर जब आपके ऊपर डेट बढ़ जाता है तो अपना वो डेट आप किसी और को दे देते हो, चुकाना आपको ही है। पर तो ये तो सीधी सीधी बहुत पुरानी माया है, इसमें कुछ नया भी नहीं है। हम तात्कालिक सुख को अपने दीर्घकालीन हित से बढ़कर वरीयता देते हैं। आपको कोई चीज़ पता हो कि अभी सुख देगी लेकिन 4 दिन बाद दुख देगी, ज़्यादा संभावना है कि आप उस चीज़ को ठुकराओगे नहीं, स्वीकार करोगे। स्वीकार क्या करोगे, हो सकता है उसके पीछे पढ़कर उसको हासिल करो। और ये पशुता की निशानी है, ये बात प्रकृति में खूब पाई जाती है, इसीलिए तो जानवरों का शिकार वगैरह भी मनुष्य कर पाता है। पशु की जो निशानियां होती हैं उनमें से ये एक है। पशु को आगे का कभी दिखाई सुझाई नहीं देता, पशु के लिए भविष्य जैसी कोई चीज नहीं होती, उसको अभी जो मिल गया मिल गया, और अभी अगर उसको सामने खाना दिख गया तो वो खाएगा, वो ये नहीं सोचेगा कि इसका कल क्या अंजाम होगा। इसके कुछ अपवाद हैं लेकिन उन अपवादों में बहुत बोध नहीं है। जैसे आप कहेंगे कि चिड़िया आगे के लिए घोंसला बनाती है, कुछ अपवाद हैं, लेकिन अगर आपने आसपास का जो प्राकृतिक जीवन है, पशुओं का, पक्षियों का, इनको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा आगे की नहीं सोच पाते वो। और आज की जो संस्कृति है उसमें एक बड़ा घातक पश्चिमी जुमला घुस गया है, लिविंग इन द मोमेंट।
वो आपको बिल्कुल वही सिखा रहा है जो जानवर करते हैं, आगे की नहीं देखते वो। जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो आप यही तो कर रहे हो, लिविंग इन द मोमेंट। अभी मौज कर लो, आगे की देखी जाएगी, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, गाना ही बनाया ना पूरा, वो यही है। ये काम जानवर करते हैं, अभी मौज ले लो, आगे की मत सोचो, क्योंकि आगे की सोचने से अभी की मौज बाधित होती है। और आगे की नहीं सोचनी है तो अपने आप को सही साबित करने के लिए कहो, साहब हम तो आस्तिक हैं, आगे की फिक्र भगवान करेगा। यहाँ की जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं भविष्य की, जो ताकतवर होते हैं वो कहते हैं जो भी होगा देख लेंगे, अभी मौज करो जो भी होगा देख लेंगे। बलात्कारी का तर्क और क्या होता है? ऐसा तो कोई बलात्कारी नहीं जो जानता नहीं कि बलात्कार करेगा तो मुसीबत में फंसेगा नहीं, उसे पता है अच्छे से बलात्कार की सजा है, हर तरीके से सजा मिलती है, भली भांति जानता है, फिर भी वो बलात्कार करता है। क्यों करता है? अभी मजे ले लो, आगे की आगे देखेंगे, लिविंग इन द मोमेंट। आप कुछ भी कहते हैं कि देखिए लिविंग इन द मोमेंट वास्तव में दूसरी चीज है, आप उसका गलत अर्थ कर रहे हैं। मैं कहूंगा मैं उसका प्रचलित अर्थ कर रहा हूं। आम आदमी के लिए और क्या मतलब है लिविंग इन द मोमेंट का, बताइए? लिविंग इन द प्रेजेंट का वास्तविक अर्थ जो भी होता होगा वो अलग चीज है। उस पर मैंने भी बोला है कि प्रेजेंट वास्तव में क्या होता है, वो बिल्कुल दूसरी चीज है। मैं जो आज के कल्चर में, आज की संस्कृति में चीज चल रही है कि आज जी लो, खुल के जी लो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लिविंग इन द प्रेजेंट का अगर कोई आध्यात्मिक अर्थ है तो वो अलग होगा, और वो जो भी अर्थ है उसकी बात हम अलग कर चुके हैं। लेकिन जब आप किसी विज्ञापन में देखते हो ओ यस अभी, तो इसका क्या मतलब होता है? बोलिए क्या मतलब होता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी करो ना। ये लोभी आदमी का, ये सेक्सुअली स्टिमुलेटेड आदमी का वक्तव्य है, ओ यस अभी। और यही काम आपसे सब कंपनियां करवा रही हैं, वो कोई नई चाल नहीं चल रही हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आज कैपिटलिज्म ने नहीं आविष्कृत कर दिए, ये बहुत पुराने हैं। पूंजीवाद और भोगवाद बस आपकी पुरानी वृत्तियों का फायदा उठा रहे हैं। ये बाय नाउ पे लेटर हो, या कि क्रेडिट कार्ड डेट हो, अमेरिका की सिर्फ क्रेडिट कार्ड डेट इतनी है कि उसको जब प्रदर्शित किया जाता है तो एज परसेंटेज ऑफ यूएस जीडीपी बताया जाता है। वो ये नहीं बताया जाता कि इतने बिलियन डॉलर है या इतने ट्रिलियन डॉलर है, वो बताया जाता है कि अमेरिका की जो क्रेडिट कार्ड डेट है वो एक्स परसेंट ऑफ यूएस जीडीपी है, इतनी बड़ी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका से ही ये मूर्खतापूर्ण और खतरनाक जुमला निकला है, लिव इन द मोमेंट। कोई बोधवान आदमी जब बोलता है ना कि आगे की आगे देखेंगे, तो उसका आशय होता है निष्काम कर्म, कि सही काम करो, फल की चिंता मत करो, आगे का आगे देखेंगे, जो भी फल आएगा कोई बात नहीं। ये बोधवान व्यक्ति का वक्तव्य है। लेकिन जब एक कामी आदमी, लोभी आदमी बोलता है आगे की आगे देखेंगे, तो वो ये कह रहा है कि मुझ पर इस वक्त इच्छा ने, कामना ने, वासना ने ऐसा जादू डाला हुआ है कि मैं परवाह नहीं करना चाहता कि मेरा अंजाम क्या होगा, मुझे तो बस इस पल भोग लेने दो, आगे जो भी होगा मैं इस पल बस किसी तरीके से ये चीज पाना चाहता हूं।
कोई फलाना फर्नीचर दिख गया है, वो लग रहा है हाँ क्या है क्या है क्या है, दिख रहा है कि बहुत महंगा, ये भी दिख रहा है कि जबरदस्ती का महंगा है, लेकिन उस पर वो स्कीम लगी हुई है कि अभी ले लीजिए पे इन 8 easy EMIs, तो एकदम मन मचल मचल गया। और मन मचल जाएगा, ये कोई नई चीज नहीं हुई है, मन का ये मचलना उतना पुराना है जितने पुराने डायनासोर हैं और गोरिल्ला हैं, उन सब का भी मन ऐसे ही बिल्कुल मचला करता था। आप बंदर को अमरूद दिखाइए, देखिए वो बिल्कुल मचल जाता है या नहीं, ये जानवरों की हरकत है। ऐसी चीजें मत खरीदो जो कर्जे पर खरीदनी पड़े, और अगर कर्ज लेना है तो 100 बार अपने आप से पूछो क्या मेरे पास कोई समुचित कारण है। सौ बार लगातार जवाब आए हाँ है हाँ है हाँ है, तो ले लो फिर कर्ज, नहीं तो कर्ज मत उठाओ। कुछ अगर इतना ही आवश्यक लग रहा है कि होना ही चाहिए अपने पास, तो उसके लिए पहले पैसा जोड़ो। बाजार के शिकार मत बनो, गलत जगह पैसा लुटाने का बड़ा दुष्परिणाम यह होगा कि जहां तुम्हें वास्तव में खर्च करना चाहिए वहां के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। जो बात तुमने उठाई वो वृत्ति हम सिर्फ बाजार में नहीं दिखाते, अपने रिश्तों में भी दिखाते हैं, अपनी शिक्षा में भी दिखाते हैं, अपने जीवन के हर निर्णय में दिखाते हैं, क्योंकि हर जगह पर निर्णय करने वाले तो हम ही हैं ना, और हमारा निर्णय झुका होता है किस दिशा में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दिशा में। सुख का शिकार न बनना, सुख की आकांक्षा को आगे ढकेल देना, ये मनुष्य की निशानी है, ऊंचे मनुष्य की। पशु कौन? सुख ही जिसका पाश है वो पशु। जिसको सुख दिखा के फंसाया जा सकता हो वो पशु। हाथी कैसे पकड़ लेता है आदमी? आदमी छोटा सा, हाथी इतना बड़ा, हाथी पकड़ में कैसे आ जाता है? गन्ने का जाल बिछाया जाता है, हाथी जानते हो ना कैसे फंसता है? गन्ने का पूरा एक जाल बिछा दिया जाता है, उस जाल के नीचे क्या होता है? गड्ढा, फंस गया। सुख का जाल बिछाया, जानवर फंस गया। और शॉपिंग मॉल ने भी सुख का जाल बिछाया, जानवर फंस गया। बड़ा जानवर हो छोटा जानवर हो, चिड़िया भी कैसे फंसती है? चिड़िया कैसे फंसी? दाना डाला, चिड़िया फंसी। अब जीवन भर पिंजड़े में रहेगी। वैसे ही थोड़ी सी माया दिखाई, महिला फंसी, अब जीवन भर पिंजड़े में रहेगी। लेकिन वो क्षण नहीं टाला गया जब माया पूरे आकर्षण के साथ आप पर आक्रमण कर रही थी, वो क्षण नहीं टाला गया। एक पल ही तो टालना होता है, मुझे मालूम है वो पल बड़ा सशक्त होता है, वो पल बड़ा भारी पड़ता है। ऐसे पलों को टालना सीखो, यही साधना है। जब कोई चीज बहुत ललचा रही हो, लुभा रही हो, चित्त पर छा रही हो, उस पल को टालना सीखो। उस पल को टालने में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अगर उस पल के शिकार बन गए तो बहुत लंबा कष्ट होगा। सही कष्ट चुनो। लालच का आवेग थोड़ी देर रहता है, उसका अंजाम बहुत लंबा रहता है।